आज हम लोग HTML से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे आपको पता होगा कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या होती है? वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए होता है, मतलब इंटरनेट के पेज को बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज होता है? वेब पेज को। तो अब आइए हम इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग एक एक क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा और कमेंट में उसका आंसर देते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, HTML का फुल फॉर्म क्या होती है? तो बताइए HTML का फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए HTML का फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन ये है, वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है? तो आप लोग ने नाम सुना होगा W3C। ये क्या होता है इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइड वेब कंज्यूमर्स, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, HTML एलिमेंट में सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है? तो आपको हम बता दें H1 होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि HTML के अंदर 6 हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6। तो HTML में जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो H1 होती है और जो सबसे छोटी हेडिंग होती है वो कौन होती है? H6 होती है। तो यह क्वेश्चन दिया है HTML एलिमेंट के लिए सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है, तो H1। अगला एग्जाम में आ सकता है कि HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती है, तो HTML में हेडिंग 6 प्रकार की होती है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से लाइन ब्रेक करने के लिए सही टैग कौन सा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि BR टैग के द्वारा लाइन को ब्रेक किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया है ना, कुछ भी आपने यहाँ पे नाम लिखा, अब चाहते इसके बाद ये लाइन ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे आप लोग BR टैग का यूज कर देंगे तो हमारी लाइन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। इसके आगे वाला मैटर है, तो BR टैग। अगला कह रहा है कि बैकग्राउंड का कलर लगाने के लिए इनमें से कौन सा HTML टैग सही होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बैकग्राउंड लगाना होगा तो CSS में लिखना पड़ता है बॉडी स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड है ना कलर रेड, ठीक है। तो इसमें कौन आंसर सही होगा? सी, ठीक ना। ये बैकग्राउंड कलर ये CSS में कोडिंग लगाने के लिए सही होता है। अगला कह रहा है, इम्पोर्टेंट टेस्ट के लिए कौन सा HTML टैग सही रहता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि बी बोल्ड के लिए होता है, आई इटैलिक के लिए होता है ना, तो इसमें आंसर कौन सा ही होगा? स्ट्रांग। इसका आंसर कौन हो जाएगी? सी। तो एग्जाम में आ सकता है बोल्ड के लिए बी, इटैलिक के लिए आई, और स्ट्रांग से क्या होती है? इंपॉर्टेंट टेस्ट होगी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगी? सी। अगला है, HTML में टेस्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग करते हैं? तो अभी हमने बताया कि बोल्ड करने के लिए हम लोग बी टैग का यूज करते हैं, तो इसका आंसर कौन हो जाएगी? बी हो जाएगी। कह रहा है कि किसी भी टैग को एंड टैग को इंडिकेट करने के लिए कौन सा करेक्टर यूज करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम H1 चालू करते हैं उसके बाद जो भी मैटर को हमने जो भी चीज़ें लिख दिया उसको बंद करना होता है तो फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगी? बी सही हो जाएगी। क्लियर है? तो आप लोग देखिए इसी तरह हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग को डेली आपको वीडियो मिलेगा ओ लेवल से रिलेटेड, CCC से रिलेटेड। आप लोग डेली वीडियो को देखते रहिए। किसी भी लिंक को ब्राउज करने के लिए नए टैब में ओपन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग पता होना चाहिए कि अगर ब्लैंक पेज का है तो किसी भी लिंक को देने के लिए, लिंक देने के लिए टैग होता है ए स्पेस हेरिफ इक्वल टू URL और टारगेट अपने ब्लैंक कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगी? नया टैब ब्लैंक आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगी? ए सही हो जाएगा। और वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, जिससे बार बार देखने से क्या होगी? आपको रट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर लिस्ट को प्रयोग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो पता होना चाहिए कि अगर आपको नंबर लिस्ट लेना हो, इस तरह का लेना होता है तो OL टैग का यूज करते हैं। अगर आपको इस तरह बुलेट नंबरिंग लिस्ट लेना हो या इस तरह का लेना हो तो हमें किसका यूज करते हैं? UL का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, नंबर लिस्ट को लेना है तो नंबर लिस्ट के लिए किसका यूज करते हैं? OL। OL का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। एग्जाम में आ सकता है OL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अगला आती है, बुलेट के लिस्ट को लेने के लिए किसका यूज करता है? तो अभी हमने पढ़ा कि बुलेट को लिस्ट को करने के लिए
यूएल का यूज़ करते हैं। तो बुलेट लिस्ट तीन प्रकार का होता है, एक आपका ए सर्कल होता है, एक स्क्वायर होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, बुलेट होती है, ठीक, एक डिस्क होती है। तो कितने होती है, अगर एग्जाम में आ जाए कि इसकी टाइप कितने होते हैं, तो तीन होती है। पहला क्या होती है, बुलेट या सर्कल कह सकते हैं, दूसरा क्या होती है, स्क्वायर होती है, तीसरा क्या होती है, डिस्क होती है। तो एग्जाम में आ सकता है इसकी कितनी टाइप होती है, तो तीन होती है। तो एग्जाम में आ जाए बुलेट लिस्ट को देने के लिए किसका यूज करते हैं, तो यूएल का यूज। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चेक बॉक्स बनाने के लिए इनमें से सही कोड कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए चेक बॉक्स बनाने के लिए ये होता है चेक बॉक्स, ठीक है। तो चेक बॉक्स बनाने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, चेक अगर केवल तो हम लोग इनपुट टाइप चेक बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, इनपुट टाइप बराबर चेक बॉक्स कौन सा होगा, डी होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे आपको कई कोर्स लेना है तो इसको चेक बॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स लेने के लिए हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट टाइप बराबर चेक बॉक्स, ये आपका गलत है। अगला है कि टेस्ट को इनपुट फील्ड बनाने के लिए कौन सा खोल जाता है, जैसे मान लीजिए आपको एक फील्ड बनाना है जहाँ पे हाउ आर यू कैसे अपने बारे में पूरा बायोडाटा लिखना हो, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टेस्ट फील्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टेस्ट फील्ड का यूज करते हैं। अगला इधर है ड्राफ्ट डाउन लिस्ट, जैसे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लेना हो, जैसे आपका ये डिस्ट्रिक्ट हो गई और इसमें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट आ गए, जैसे आपका आजमगढ़ आ गया, मऊ आ गया, बलिया आ गया, देवरिया आ गया, तो इसको ड्राफ्ट लिस्ट बनाने के लिए हम लोग कौन ऑप्शन का यूज करते हैं, सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। किसका ऑप्शन यूज करते हैं, सेलेक्ट चालू करते हैं और सेलेक्ट को बंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी तरह आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आप 50 क्वेश्चन देख लेते हैं तो एग्जाम में मान के चलिए इसमें से आपका 10 क्वेश्चन मैच कर जाएगा, तो इसलिए इसको बार बार देखिए, बार बार समझिए, अपने मन से ट्रिक मारते रहिए। करेक्ट टेस्ट एरिया को बनाने के लिए एचटीएमएल में कोड क्या सही है, तो टेस्ट एरिया जब भी हमें बनाना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे आपको नेम हो गया, नेम को लिखना है, तो नेम को लिखने के लिए चेकबॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, टेस्ट एरिया का है, तो हमें टेस्ट एरिया लेना होगा, तो ये आपका टेस्ट बॉक्स हो गई, लेकिन हमें किसी के बारे में लिखना है तो टेक्स्ट एरिया का यूज करेंगे, तो इसका एक्सप्लेन कौन होगा, सी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, एचटीएमएल के प्रोग्राम को सेव करने के लिए एचटीएमएल की फाइल किस में सेव होती है, तो डॉट एचटीएमएल में सेव होती है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगी, ये सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि एचटीएमएल को सर्वप्रथम कब प्रस्तावित किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहली एचटीएमएल जो आई थी वो 1990 में आई थी, कब आई थी, 1990 में आया था। कह रहा है एचटीएमएल में कमेंट को शुरू करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एचटीएमएल के अंदर ऐसे लिख के इसके बीच में आपने कुछ भी लिख देते हैं तो आपको प्रिंट नहीं होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, सही है। कमेंट को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस मार्क का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एचटीएमएल टैग टाइटल को डिफाइन करने के लिए होता है, तो आपको पता होना चाहिए टाइटल को देना है, जैसे ये आपका एचटीएमएल दिख के आ रही है, तो हमें कभी भी ये टाइटल एचटीएमएल पीडीएफ लिख के आ रही है, तो इसको टाइटल को देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टाइटल का यूज करते हैं, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में फुटर को स्पेसिफाई करने के लिए एचटीएमएल टैग किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर फुटर देना हो तो किस टैग का यूज करेंगे, फुटर टैग का यूज करेंगे, ठीक है। अगला दे रहा है कि नेविगेशन लिंक को डिजाइन करने के लिए किस एचटीएमएल टैग का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए नेव का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, नेव। नेव का मतलब जैसे होम हो गया, अबाउट अस हो गया, ये सब आप लोग वेबसाइट में बनाते हो तो इसको हम नेव कहते हैं, यानी भी, क्लियर। अगला है डॉक्यूमेंट में हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए किस एस्टिमेट एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए जब भी हमें करना होगा तो किस टैग का यूज करेंगे, बच्चों हेडर लगाना होगा तो हेडर टैग का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हेडर टैग, तो इसका ऑप्शन सी सही है। कह रहा है पैराग्राफ को शुरू करने के लिए किस
टैग का यूज किया जाता है तो पता होना चाहिए। पैराग्राफ को लिखना होता है तो हमें पी से चालू करते हैं, जो भी चीज़ होता है लिख देते हैं और फिर पी को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो पैराग्राफ को करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंटेनर क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि टैग दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इम्पटी टैग और दूसरा होता है कंटेनर टैग। इम्पटी टैग क्या होती है, जो चालू तो होती है लेकिन बंद नहीं होती है, जैसे बीआर टैग एचआर टैग, और जो चालू भी होती है और बंद भी होती है। तो जैसे आपका सेलेक्ट चालू भी होगा, बॉडी चालू भी होगा और बंद होगा, लेकिन इनपुट चालू होता है लेकिन बंद नहीं होता है। इसके लिए इसका ऑप्शन कौन हो जाएगी, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कंटेनर कितने प्रकार के होते हैं, दो, पहला इम्पटी कंटेनर और दूसरा जो होता है कंटेनर टैग। इम्पटी क्या होती है, जो चालू होती है लेकिन बंद नहीं होती है, तो इम्पटी टैग में जैसे बी आर और एच आर। अगला क्वेश्चन, इनपुट क्या है, तो इनपुट करने के लिए क्या होती है, तो इनपुट अभी हमने बताया इम्पटी टैग है, और जो चालू होता है और बंद होता है उसे क्या कहते हैं, कंटेनर टैग कहते हैं। तो एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि इनपुट टैग क्या होते हैं, इम्पटी टैग है, क्यों, क्योंकि चालू हो रही लेकिन बंद नहीं हो रही। तो इनपुट टैग आपने तीन जान गया, पहला इम्पटी टैग में पहला इनपुट जान गए, बी आर जान गए और एच आर जान गए, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एचटीएमएल का लेटेस्ट स्टैंडर्ड क्या है, तो ये पता होना चाहिए। एचटीएमएल का लेटेस्ट जो वर्जन होता है 5.0 होता है, कौन होता है, 5.0। अब अगला क्वेश्चन है, एचटीएमएल का सबसेट कौन सा है, तो बताइए एचटीएमएल का सबसेट कौन सा है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। देखिए एग्जाम की तैयारी करना है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम को नहीं देना, फटाफट आंसर दें। तो इसका सबसेट होता है, उसका नाम होता है HTML, क्या होता है, HTML। आप लोग HTML का फुल फॉर्म कमेंट में लिखिए, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि HTML पेज को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक ब्राउजर भी चाहिए, टेस्ट एक एडिटर भी चाहिए, मतलब आपका गूगल क्रोम नहीं रहेगा, यूसी ब्राउजर नहीं रहेगा और कोई नोटपैड या नोटपैड कोई एडिटर नहीं रहेगा, तो आप वेबसाइट को बना नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा इसका आंसर कौन हो जाएगी, सी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ए टैग के द्वारा क्या किया जाता है, तो ए टैग के द्वारा बच्चों लिंक किया जाता है, क्या किया जाता है, किसी चीज़ को लिंक करना हो तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं, तो एंकर टैग का ये, तो इसको लिए लिंक को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगी, डी सही हो जाएगी। बॉडी टैग का प्रयोग सामान्य तथा किसके बाद किया जाता है, तो बॉडी टैग का यूज बताइए आप लोग किसके बाद किया जाता है, हमेशा HTML है ना टैग के बाद किया जाता है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगी, हेड के बाद, क्योंकि पता होना चाहिए पहले HTML चालू होती है, फिर क्या चालू होती है, हेड चालू होती है, जब हेड बंद हो जाती है तब हमारा जाके क्या चालू होती है, बॉडी चालू होती है, तो यहाँ पे सही है कि नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगी, हेड टैग के बाद। तो क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत हल्का रहता है, बस आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आंसर उसी में छिपा रहता है। और देखिए आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो डेली आपको 50 से 100 क्वेश्चन डेली मिलता रहेगा कंप्यूटर से रिलेटेड। टेस्ट को इटैलिक करने के लिए किस टैग का यूज करते हैं, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता ही सकते हैं, तो जो आसान क्वेश्चन है उस लिए हम उस पर टाइम नहीं देते, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, टी आर टी डी टी एच का यूज किसमें किया जाता है, टेबल बनाने के लिए, जैसे आपको एक टेबल बनाना हो और टेबल के अंदर आपको जानना हो रोल नंबर नेम कोर्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टी एच का यूज करते हैं, और इसमें रो बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, टी आर को, और इसमें डाटा लिखने के लिए टी डी, तो ये तीनों चीज किस में यूज हो रहा है, टेबल में। तो तीनों का फुल फॉर्म याद कर लिए, टी आर का फुल फॉर्म होता है टेबल रो, और टी डी का फुल फॉर्म होता है टेबल डाटा, और टी एच का फुल फॉर्म होता है टेबल हेडिंग। ये तीनों टैग हम लोग ने कहाँ पढ़ा था, टेबल के अंदर। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आएगा, एक आपको टेबल दे देगा प्रैक्टिकल में और टेबल बनाना रहेगा, तो हम प्रैक्टिकल के लिए फुल वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा एक ही वीडियो में HTML पूरा रहेगा, आप एक दिन में HTML का नॉलेज आप ले सकते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। टेस्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तभी हमने बताया कि टेस्ट को करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अंडरलाइन। जैसे आपने कुछ भी लिख दिया और इसको अंडरलाइन करना है
तो यू दबा देंगे, क्या लिख देंगे यू। तो इसके पहले आपने यू लिख देंगे और यू को क्या कर देंगे बंद कर देंगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी अंडरलाइन आ जाएगी। अगला आ रहा है स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग कौन है, तो आप लोग इसका जवाब बताइए स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग कौन है। तो इसका स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग कौन होता है पी आर ई, कौन होता है पी आर ई। अगला है एच आर टैग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचने के लिए। जैसे आपने कोई मैटर लिखे हैं आप चाहते हो वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को लाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं एच आर टैग का। ये भी आपका इम्पोर्टी टैग है, कौन टैग है इम्पोर्टी टैग है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए एस्टिमल टैग केस सेंसिटिव होती है, बार बार आती है। केस सेंसिटिव क्या होती है समझिए, जिसमें अगर कोडिंग होती है जैसे सी हो गई, सी प्लस हो गई, जावा हो गई, ये तीनों जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना वो केस सेंसिटिव होती है, लेकिन एस्टिमल केस सेंसिटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप इसको कैपिटल में लिखे तो कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में लिखे तो स्मॉल, लेकिन जो लैंग्वेज होती है ना उसकी कोडिंग हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। इसलिए सी, सी प्लस, जावा, पाइथन क्या है केस सेंसिटिव है, लेकिन एस्टिमल केस सेंसिटिव नहीं होता, इसलिए क्या होगा असत्य। तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा केस सेंसिटिव क्या होती है, कि अगर जो भी कोडिंग होती है अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, जैसे आपने पासवर्ड डाल दिया कैपिटल में डाल दिया है पासवर्ड, अगर आप स्मॉल में डालेंगे तो लेगा नहीं, उसे हम केस सेंसिटिव कहते हैं। अब भाई एचटीएमएल पेज में इमेज की साइज को बदलने के लिए क्या करते हैं, तो आपको पता है एक इमेज है और ये इमेज मान लीजिए बहुत बड़ा है, इसको हमको छोटा करना है, तो इसकी क्या करेंगे विड्थ को कम करेंगे, किसको कम करेंगे विड्थ को, और किसको कम करेंगे हाइट को। तो हाइट और विड्थ का यूज करेंगे तो हमारी क्या हो सकती है इमेज की साइज को बदल, तो इमेज की विड्थ को बदलने के लिए हमें लिखना पड़ेगा विड्थ बराबर जो भी जितना लिखना होगा उतना लिख देंगे, उतना ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। चौड़ाई कम करना है तो विड्थ और हाइट कम करना है तो हाइट बराबर क्या लिख देंगे तो हाइट, इसका आंसर कौन हो जाएगी सही ए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें ईमेल को लिंक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ईमेल को लिंक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कोई भी ईमेल आईडी होती है उसके पहले यूजर नेम होता है उसके बाद डोमेन होता है, और उसको अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है एम परसेंट का। इसलिए इसको अगर ईमेल आईडी को लिंक करना होगा तो हमें लिखना पड़ेगा ए स्पेस हेरी बराबर जो भी ईमेल आईडी होगी उसका एड्रेस gmail.com या जो भी .com। अब आइए पेज में स्क्लाट टेस्ट करना मतलब राउंड चलना, जैसे ये आपका टेस्ट चलता हुआ है जैसे वेलकम इन आजमगढ़ एक चलता हुआ नजर आए, तो वहाँ पे आप लोग किसका यूज करेंगे मार्किंग का, तो ये मार्किंग क्वेश्चन हो गया। अब आइए आपका 50 क्वेश्चन देखना है, 10 क्वेश्चन और आप लोग देख के तब वीडियो को एंड करिएगा, क्योंकि एक दिन में कम से कम 50 आप क्वेश्चन देखिए। ये आपको पता होना चाहिए HTML या WW के या वेब ब्राउजर के फादर्स कौन है, तो टीम बर्नर ली, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा एग्जाम में आ जाएगा। HTML के फादर्स कौन है, WW के फादर्स कौन है, वेब ब्राउजर के फादर्स कौन है, तो कौन होंगे टीम बर्नर ली। अगला आ रहा है कि डाक टाइप HTML 5 को लिखने का क्या तरीका होता है, तो आप बताइए डाक टाइप HTML लिखना पड़ता है तो हमें क्या लिखना पड़ता है डॉक टाइप HTML लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगी ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच एलिमेंट इज यूज टू गेट हाईलाइट, हाईलाइट करना होगा तो किसका यूज करेंगे मार्क का यूज करेंगे। जैसे आपने कोई टेस्ट लिखे हैं अगर वो चाहते हैं येलो कलर में हाईलाइट हो जाए तो हमें मार्क करना होगा, क्या करना होगा मार्क कर देंगे तो उतना चीज, जैसे हमको एलिमेंट को हाईलाइट करना है तो इसके पहले मार्क लगा देंगे इसके बाद में मार्क लगा देंगे तो येलो कलर में ये हाईलाइट हो जाएगी, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा तो मार्क। अगला क्वेश्चन है कौन सा टैग इमेज को इंसल्ट करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए इमेज को इंसल्ट करने के लिए लिखना पड़ता है IMG स्पेस SRC इक्वल टू जो भी देना होगा उसका URL उसका पाथ दे देते हैं, तो आपका ये भी गलत है क्योंकि URL ये भी क्योंकि URL लिखा है ये गलत है, आपका अल्ट भी गलत है, तो यहाँ पे आंसर कौन होगा IMG स्पेस SRC जो फोटो होगा उसका लिंक दे दें, तो इस ऑप्शन का आंसर कौन सही होगा इमेज को लगाने के लिए SRC। अगला ये विच आर द फ्लोइंग HTML एलिमेंट यूज टू कनवास ग्राफिक, ग्राफिक को बनाना होगा
तो हमें किसका यूज करना होगा, कनवास टैग का यूज किया जाता है डिजाइनों, जैसे आपको ग्राफ बनाना हो, रेक्टेंगल बनाना हो, ग्राफिक बनाना हो, तो वहाँ पे हम लोग कनवास का यूज करते हैं। इसको इम्पोर्टेंट करिए, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट कंटेन डिफिनीशन, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एचटीएमएल के अंदर तीन प्रकार की लिस्ट होती है। पहला जो लिस्ट होती है वो ओएल लिस्ट होती है, दूसरा यूएल होती है, तीसरा डीएल होती है। तो डिफिनीशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डीएल का, और ओएल का मतलब जाने गए ऑर्डर लिस्ट, यूएल का मतलब ऑन ऑर्डर लिस्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग टैग इज यूज फॉर ऑडियो, अगर आपको एचटीएमएल में ऑडियो लगाना होगा तो हम ऑडियो टैग का यूज करेंगे और बाद में ऑडियो को बंद कर देते हैं। क्लियर हुआ, तो ऑडियो को लगाने के लिए ऑडियो टैग और वीडियो को लगाने के लिए वीडियो टैग का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट टाइप्स एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग, तो इनपुट टैग में आप लोग ने वीक भी समझा होगा, मंथ भी देखा है, टाइम देखा है, लेकिन डे नहीं समझा, तो इसका आंसर कौन होगा, डे होगा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। कह रहा है विच एस्टिमेट एलिमेंट यूज टू सॉर्ट कोटा, अगर आपको कोटेशन मार्क लगाना हो तो हम किसका यूज करते हैं, क्यू का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपको किसी टेस्ट को डिलीट करना हो तो किस टैग का यूज करते हैं, डेल टैग का यूज करते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, इस 50 क्वेश्चन को बार बार देख कर अपना रिविजन करते रहिए, फिर कल मैं आपको दूसरा वीडियो डालेंगे उसको भी देख लीजिएगा।